जीवन में विडंबना यह नहीं कि हम लक्ष्य तक पहुंचे नहीं, बल्कि यह है क्या हमारे पास वहां तक पहुंचने के लिए कोई लक्ष्य भी था या नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इंग्लिश विद नीति सर क्लासेस में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि जो पिछले लेक्चर्स हमने शूट किए क्वेश्चंस ऑफ द डे के नाम से, वो आपको पसंद आ रहे होंगे। वो जो क्लासेस हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके हैं, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं जगा पाते हैं। एग्जाम्स में जब वो बैठते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, या घर में जब प्रैक्टिस लगाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वो परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाते हैं जो एक्चुअली में उन्हें करना चाहिए। इसी फियर के बच्चों को दूर करने के लिए हम वो क्वेश्चंस ऑफ द डे की सीरीज लेकर आए हैं। हालांकि वो जो बच्चे सीख सके हैं उन बच्चों के लिए चैलेंज भी है। वो उन लोगों बच्चों के लिए चैलेंज इसलिए इसलिए है क्योंकि जब वो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर वो उन पे अभी नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी अभी तलवार की धार पैनी नहीं हुई है। तो फिर ऐसी लड़ाई में, युद्ध में जाने से सिर्फ वीरगति ही प्राप्त होगी और कुछ नहीं, और हताशा मिलेगी। इसलिए बच्चों, वो जो क्वेश्चंस ऑफ द डे की सीरीज है वो उन बच्चों के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। काफी बच्चों के पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत अच्छा कह रहे हैं कि सर जो कमियां थी वो हमारी दूर हो रही हैं। लेकिन इसके साथ एक जो कैटेगरी है बच्चों की कि सर हमें, हम अभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए उन बच्चों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक दूसरी प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। उस प्लेलिस्ट में हम बेसिक्स से, बिल्कुल इंग्लिश के बेसिक्स से जाएंगे, और वो बिल्कुल कहते हैं कि बॉटम टू टॉप, उस अप्रोच तक जाएंगे। हम बेसिक्स के लेक्चर 1x1, 1x1 उसमें आप अपलोड करेंगे। तो जो बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है वो बहुत अच्छे से उनको देखे, और जो बच्चा सीख चुका है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। इसलिए सारे बच्चे एक दिन एक सेम टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग करते हैं आज से इंग्लिश के एक नई प्लेलिस्ट बेसिक्स की। बेसिक्स के बाद हम सारे चैप्टर्स को 1x1 थोरोली स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और हम आपके टेस्ट भी कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं आज की शुरुआत। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं। हमारा ये जो इंग्लिश प्रॉब्लम ये है कि कई सारे बच्चे इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं, एज अ सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं। देखो, सब्जेक्ट का मतलब होगा जैसे कि आपने मैथ्स पढ़ लिया, जैसे कि आपने क्या कर लिया, मैथ्स पढ़ लिया, और उसमें आपने 2+2 करके क्या कर लिया, 4 कर लिया। लेकिन बच्चे क्या इंग्लिश में सच में ऐसा है? नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और आप जानते हैं लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज हमारे आइडियाज को, थॉट्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट करने का एक माध्यम है। कभी मेरा मूड कैसा हुआ, कभी मेरा मूड कैसा हुआ, कभी मेरे मूड बहुत हंसी वाला है तो मैं बहुत अच्छे से अपने आइडिया को कन्वे करूंगा, कभी मैं नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, तो मैं उस समय अपने आइडिया को किसी दूसरे दूसरे मूड में आपको ट्रांसमिट करूंगा। लेकिन मैथ्स में तो अगर आप गुस्सा में हो तब भी 2+2 4 होना है, हंसी के मूड में हो तब भी 2+2 4 होना है, तो ये चेंज नहीं होना है। लेकिन लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम क्या है, मूड के साथ एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और जो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो चेंज हो जाता है, इसलिए टाइप ऑफ सेंटेंस भी चेंज हो जाते हैं, और यहां बच्चा आके फंस जाता है। आई होप आप समझ पाए हो कि जो हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो आपके दिमाग को स्ट्राइक करेगा। क्यों करेगा? उसका रीजन है क्योंकि हम एक उस लेवल पर जाके पढ़ाई करते हैं जहां पे हम क्वेश्चंस के साथ टॉपिक को डील करते हैं। ये नहीं होगा कि पहले थ्योरी पढ़ा दी फिर 1x1 क्वेश्चंस करा दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम क्वेश्चंस के साथ टॉपिक को कवर करते चले जाएंगे, और जो बेसिक्स की क्लास है इनमें हम उन चीजों को मेनली हाइलाइटेड करेंगे जो इंग्लिश में टर्म्स यूज होते हैं। जैसे हमने कह दिया एडवर्बियल क्लॉज यूज कर देंगे, प्रपोजिशनल फ्रेज यूज कर देंगे, बच्चा स्टार्टिंग में आकर डरने लगता है। तो पहले हम इन छोटे छोटे टर्म्स को बहुत अच्छे से दूर करेंगे, बच्चों अच्छे से समझाएंगे ताकि बच्चों को समझ में आए, फिर हम इनके इम्प्लीमेंटेशन पर काम करेंगे। ठीक है बच्चे, तो जो इंग्लिश है वो एक तरीके से क्या है, एक लैंग्वेज है। अच्छा,
एक बात सोचो बच्चों, एक बात बहुत अच्छे से सोचो, क्या जब इंसान इस पृथ्वी पर आया, क्या तब क्या उसके तुरंत बाद ही लैंग्वेज आ गई थी क्या? जब इंसान का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, तो क्या तब से ही लैंग्वेज है क्या? जवाब आएगा नहीं सर, लैंग्वेज तब से नहीं है। तो तब क्या था? क्या तब लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते थे क्या? अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, दो चींटियां हैं, ये दो चींटियां हैं, क्या ये चींटियां कभी आपको बोलती हुई सुनाई दी क्या? क्या एक चींटी ने कभी दूसरी चींटी से ये आपने सुन सुन लिया क्या कि और कहाँ जा रही हो, मुझे भी ले चलो? लेकिन नहीं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ तो ट्रांसमिशन होता है। और ये जैसे कि दो डॉग हैं, उनकी एक अलग साउंड है। यानी यहां हम एक चीज समझ गए कि जो लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज से पहले जो आया था वो साउंड आए थे। बच्चे क्या आए थे? साउंड, तरह तरह की आवाजें आई थी। जानवर अपनी आवाजों में बात करते हैं, इंसान अपनी आवाजों में बात करते हैं, यानी साउंड, साउंड सबसे पहले आया था। इन्हीं साउंड को हमने लैंग्वेज के फॉर्मेशन के लिए ए बी सी डी लेटर्स का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चे? लेटर का हो गया। ए क्या एक लेटर है, बी क्या एक लेटर है, सी क्या है लेटर है, डी क्या है एक लेटर। इन लेटर का अपना अपना एक अलग अलग काम है। अच्छा बच्चों, जैसे ही बात लेटर तक पहुंची, यानी ये लेटर कंप्लीट कहां होते हैं? हमारे जेड पर जाकर। जैसे ही लेटर कंप्लीट हुए, एक नया टर्म बन के आया जिसको हमने नाम दिया अल्फाबेट का। किसका नाम दिया बच्चों? अल्फाबेट का हमने इसको नाम दिया। अगर कंपटीशन के बच्चे हो आप, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक शब्द कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्यों पूछा जा चुका है? क्योंकि इससे मिलता जुलता एक और शब्द है, इस पर एरर के क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे, आपको मिल जाएगा। अब भैया क्या ये दोनों एक ही शब्द हैं या अलग अलग हैं? या किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि ये इसका सिंगुलर है और ये इसका प्लूरल है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए हम इनको देखते हैं। जैसे ही हमने एक से लेकर ए से लेकर जेड तक ये जो कंप्लीट हुआ, इसी कंप्लीट सेट को हमने क्या बोल दिया? अल्फाबेट। यानी जो 26 लेटर्स का जो सेट तैयार हुआ, ये जो 26 लेटर्स का जो सेट तैयार हुआ एक कंप्लीट सेट, इस कंप्लीट सेट को नाम दिया गया अल्फाबेट। तो बच्चे अल्फाबेट का मतलब क्या हो गया? तो अल्फाबेट को हिंदी में क्या कह दिया हमने? वर्णमाला। क्या नाम दे दिया बच्चे? वर्णमाला। तो फिर ये अल्फाबेट्स क्या है बच्चे? तो अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज। अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? तो ये लैंग्वेज है, मतलब ये भाषाओं से बात, ये भाषाओं के बारे में बताता है। दिखने में एक जैसे हैं लेकिन है बहुत ही अलग अलग। एक बेसिक क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, व्हेन आई वॉज When I was 3, I learnt और blank। आपका ऑप्शंस में हमने दे दिए अल्फाबेट, और बी में दे दिया अल्फाबेट्स। अब बच्चों ये सवाल बन गया लॉजिकल, जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अब आप खुद सोचिए, जब मैं कितने का था? आई वॉज 3 का मतलब क्या हो गया? आई वॉज 3 का मतलब हो गया जब मैं था 3 साल का। कितने का बच्चे? 3 साल का। अब आप खुद सोचिए, 3 साल का बच्चा एबीसीडी सीखता है
या इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, या संस्कृत बोलना शुरू कर देता है, या हिंदी यानी कोई सी भी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है? नहीं, वो लैंग्वेज की बेसिक्स को उस समय सीख रहा होता है। अगर बेसिक्स को सीख रहा होता है तो वो अल्फाबेट सीख रहा होता है या अल्फाबेट सीख रहा होता है, यानी वो ए टू जेड सीख रहा होता है या वो लैंग्वेज सीख रहा होता है? तो आप कहोगे सर वो तो उम्र ए टू जेड की है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? अल्फाबेट। सबसे पहले बच्चे क्या आया? साउंड आया। साउंड के बाद क्या है? लेटर आए। जब हमने लेटर को ए टू जेड कंप्लीट किया तो क्या बन गया एक टर्म? अल्फाबेट। क्या अभी लैंग्वेज आ गई? क्या क्या अभी भाषा आ गई? क्या नहीं आई? बच्चों भाषा तो अभी बहुत दूर है, देखते हैं। जैसे ही हमने लेटर आए, लेटर के जुड़ने से अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्या कहा हमने बच्चे? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके आप अपने नोट्स तैयार करते रहना, ताकि आपको खुद की लिखावट में जो दम है ना, वो दूसरे की लिखावट में नहीं होती है। आप खुद की कॉपी को रिवाइज करोगे, अब बहुत ही कम समय में आप पूरा का पूरा रिवीजन कर पाओगे। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब ग्रुप ऑफ लेटर्स, जैसे मैं आपके सामने लिखना चाहूं GOOD, लेकिन अगर GOOD को मैं लिख दूं कुछ इस तरीके से, तो क्या बच्चों ये ग्रुप ऑफ लेटर नहीं है? क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर नहीं है? नहीं, ग्रुप ऑफ लेटर तो है। तो क्या इसका कोई अर्थ निकलता है क्या? नहीं, पता नहीं, ये तो अजीब सा है। लेकिन क्या इसका अर्थ निकलता है क्या? हाँ, इसका तो अर्थ निकलता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकलता। इसका मतलब ग्रुप ऑफ लेटर, लेकिन जिसका कोई क्या हो, मीनिंग हो, कोई अर्थ निकलता हो, उसको हमने क्या कह दिया? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक लेटर्स का ऐसा समूह जिसका क्या निकलता हो, मीनिंग निकलता हो, उसी को हमने क्या नाम दे दिया? वर्ड। यानी किसकी रचना हो गई? शब्द की। किसकी रचना हो गई? वर्ड की रचना हो गई। अच्छा, वर्ड की रचना जैसे ही हुई तो फिर हमने क्या किया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हमने क्या किया? अब शब्दों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर दिया। जब हमने शब्दों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर दिया, जैसे मैंने आपसे कहा एम आई स्टूडेंट, अ एम आई स्टूडेंट अ, क्या बच्चों ये शब्दों का समूह है? 1 2 3 4, चार शब्द आ रहे हैं इसमें। क्या ये शब्दों का समूह कहलाएगा? कहोगे हाँ, शब्दों का समूह है। क्या इसका कोई एक शाब्दिक अर्थ निकल रहा है क्या? क्या ये प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर पा रहा है क्या? आप कहोगे सर इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, लेकिन अगर मैं इसी को एक प्रॉपर अरेंजमेंट करके लिख दूं, आई एम अ स्टूडेंट, तब आप कहोगे सर शब्द तो वही है, बस आगे पीछे करके लिख दिए तो इसका एक प्रॉपर अर्थ निकल आया। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? ना केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा शब्दों का समूह जिसका एक मीनिंग निकलता हो, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, मीनिंग का मतलब कोई अर्थ निकलता हो, उसी को हमने क्या कह दिया? सेंटेंस। उसी को हमने क्या कह दिया? सेंटेंस कह दिया बच्चे। यानी हम धीरे धीरे देखो लैंग्वेज की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही हम सेंटेंस में पहुंचे, फिर हमने कई सारे सेंटेंस को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सेंटेंस आपस में जुड़े, पैराग्राफ तैयार हुए, टॉपिक तैयार हुए, आर्टिकल तैयार हुए, और लैंग्वेज आपकी बन गई। बात समझ में आया? तो लैंग्वेज एक पूरी प्रोसेस रही है, इसको बनने में सालों लगे हैं। हमें तो सिर्फ उसका रिजल्ट मिला है, पता नहीं कितने सालों में हम यहां से यहां पहुंच पाए होंगे। ठीक है बच्चों, कुल मिला के बात यह है, हमें कहां पहुंचना था? सेंटेंस पर।
बच्चों जो मैं पहुंचना था वो पहुंचना था सेंटेंस पर, और यहीं से होती है हमारी एक्चुअल शुरुआत। देखते हैं बच्चों, क्या हेडिंग बनेगी सेंटेंस, क्या हेडिंग बनेगी सेंटेंस, तो क्या लिखा जाएगा, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर टू गेट अ कंप्लीट सेंस, टू गेट अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। तो बच्चों ये हुई हमारे सेंटेंस की शुरुआत। क्या कहा हमने, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या हो गया, शब्दों का समूह हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, और उनको इस तरीके से अरेंज किया गया है एक ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, क्रम, एक उस क्रम में अरेंज किया गया है। अरेंज का मतलब क्या हो गया, व्यवस्थित, व्यवस्थित, एक उस क्रम में व्यवस्थित किया गया है टू गेट अ कंप्लीट सेंस, ताकि हमें एक पूरी कंप्लीट सेंस का मतलब एक पूरी समझ, एक समझ आ पाए, उसी को हमने क्या नाम दिया, सेंटेंस। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैं हमने कहा कि आई एम अ स्टूडेंट, एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज अ हॉट डे, एक और देखते हैं, वी ऑल आर ऑनेस्ट पर्सन्स, देखो बच्चों क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, हाँ बिल्कुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक बार देख लेते हैं क्या इनका कोई मीनिंग आ रहा है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं कौन हूं, मैं एक कौन हूं, स्टूडेंट हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, आप जानते हैं ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। अभी हालांकि मैं सब्जेक्ट वर्ब पे बात नहीं करना चाहता हूं, अभी हम एक जनरल मीनिंग देख रहे हैं। हाँ ये सेंटेंस था क्योंकि इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है। दूसरा देखते हैं, इट इज अ हॉट डे, इट इज अ हॉट डे, यानी जिस भी दिन की बात हो रही है, आज के दिन की बात हो रही है, तो वो कैसा दिन है, बहुत ही गर्म दिन है, तो देखो इसका भी एक प्रॉपर सेंस निकल रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक सेंटेंस कहलाएगा। अगला देखिए, वी ऑल आर ऑनेस्ट पर्सन्स, यानी वी ऑल जो हम सब हैं, वो हम सब कैसे हैं, ईमानदार पर्सन्स हैं, तो अब देखो इसका भी सेंस निकल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं एक एक और लिख के दिखाऊं आपको, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी, और ये लगा दिया हमने फुल स्टॉप, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी, एक दो तीन चार पांच छ सात, बच्चों मैंने सात यानी सेवन वर्ड्स यूज करें, क्या सात शब्दों के बाद होने के बावजूद भी क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, क्या ये सेंटेंस है या नहीं, अगर है तो राइट लगाओ और अगर नहीं है तो रॉन्ग लगाओ, सोचो जरा। आपने जैसे ही सेंटेंस को पढ़ा आपके मन में फीलिंग आएगी कि सर ये सेंटेंस अधूरा है, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास यानी ये जो क्लास है ना, और इस क्लास के किसकी बात हो रही है बच्चे, इस क्लास के बच्चों की बात हो रही है, और इस क्लास के बच्चे कैसे हैं, बहुत बहुत कैसे, बहुत कैसे, इस क्लास के बच्चे हैं बहुत ईमानदार हैं, मेहनती हैं, लेजी हैं, कैसे
हैं, क्या इसका कोई मीनिंग निकला? तो सर कोई मीनिंग नहीं निकला। सात शब्द होने के बाद भी क्या हम ये कह पाएंगे क्या ये सेंटेंस है? जवाब आएगा सर नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो हम कह पाएंगे सर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, लेकिन अगर हम इसमें एक छोटा सा शब्द और ऐड कर दें, हार्ड वर्किंग, क्या ऐड कर दिया? हार्ड वर्किंग, और इस फुल स्टॉप को यहां से हटा के यहां रख दिया। बच्चों एक बार फिर से सेंटेंस को रीड करते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी हार्ड वर्किंग। हालांकि बच्चों की तारीफ में एक सेंटेंस लिख दिया कि जो इस क्लास के बच्चे हैं वो कैसे हैं, बहुत ही मेहनती हैं। कैसे हैं? बहुत ही मेहनती हैं। बच्चों एक शब्द को बढ़ाने से क्या इस सेंटेंस में, एक शब्द को बढ़ाने से क्या इस सेंटेंस में अर्थ पूरा कंप्लीट हुआ या नहीं? कहोगे सर हो गया, इसका मतलब ये एक क्या है, ये एक सेंटेंस है। तो बच्चों आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए और वो अरेंज्ड भी होना चाहिए, एक बात ये, दूसरी बात वो, और अरेंज इस तरीके से होना चाहिए कि वो एक क्या दे दें, एक कंप्लीट सेंस दे दें, तब जाके वो एक सेंटेंस कहलाता है। आई बात समझ में बच्चों? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये जो सेंटेंस है ना, अब हम लेके चलते हैं इसको ग्रामेटिकली फॉर्म की ओर। अब हम ये देखेंगे कि आखिर एक सेंटेंस बनता कैसे है और उस सेंटेंस के कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं उस सेंटेंस के। तो जैसे हम देखेंगे बच्चों, तो हम पाएंगे कि जो एक सेंटेंस है, अब हम इसको बीच में लिख लेते हैं जरा, ये जो सेंटेंस है वो मेनली दो चीजों से मिलकर बनता है, एक जिसको हमने कह दिया सब्जेक्ट और दूसरा जिसको हमने कह दिया प्रेडिकेट। अब ये देखो एक नया टर्म आ गया, प्रेडिकेट। यानी एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो जो भी सेंटेंस का भाग बचता है उस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, उस पूरे बचे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो फिर प्रेडिकेट के अंदर बच्चे क्या आया? तो प्रेडिकेट के अंदर आपकी हेल्प, आपकी वर्ब आ गई। अब वर्ब भी दो तरह की होती है आपकी, एक को आपने जिसको आप नाम देते हैं हेल्पिंग वर्ब, और एक और क्या जिसको आप नाम देते हैं मेन वर्ब। वर्ब के बाद बच्चे दूसरे प्लेस पर क्या आता है? आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट भी आपके आगे चल के हम पढ़ेंगे दो तरह के होंगे, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक एक करके हम सारे टर्म पढ़ेंगे, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद जो भी शब्द बच जाते हैं उनको हमने कह दिया कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल दिया? कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये भी कई सारे शब्द हैं, जो भी वर्ड्स बच गया वो अभी हमने उनको कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में रख दिया है ना। तो ये भी कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो ये भी आपके दो तरीके से काम करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतने सारे पार्ट होते हैं एक के। अब आते हैं बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल होते हैं। सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट को हमने तीन तरह की कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। पहला सिंपल सब्जेक्ट, अब ये क्या होता है आज हम पूरी चर्चा इस सब्जेक्ट के बारे में करेंगे, सिंपल सब्जेक्ट। दूसरा कौन सा होता है भाई?
तो दूसरे का हमने नाम दिया एक्टिव सब्जेक्ट। हालांकि सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए 2 दिन लगते हैं बच्चे। इस सब्जेक्ट नाम के टॉपिक को अकेले को पढ़ने के लिए ही 2 दिन लगते हैं। और जो तीसरा है जिसका हमने नाम में रखा पैसिव सब्जेक्ट, तो ये है कंप्लीट दुनिया और यही है कंप्लीट बेसिक्स। जिस दिन हमारी इन सारे टर्म्स पर कमांड हो गई बच्चों, हम कंपटीशन की दुनिया में कदम रख पाएंगे। आप समझ रहे हो, जब आप इन टर्म्स से फैमिलियर हो जाओगे, इन सारी टर्म्स को अच्छे से मन में बसा लोगे, तब आप कंपटीशन में आने के लायक हो पाओगे। हालांकि मैंने काफी सारे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पहले ही दिन नाउन शुरू, टेंस शुरू, प्रपोजिशन शुरू, खत्म। ये कहाँ गया, बेसिक्स कहाँ गया? जो बच्चा हिंदी मीडियम का है, उसने 12th तक हिंदी मीडियम पढ़ा, वो कभी इंग्लिश से उसका लगाव हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर उसने बीए बीकॉम करके जैसे ही भी कर करा के वो आ गया, अब उसको पहले दिन जब क्लास में सुनने को मिलता है सिंपल सब्जेक्ट, एक्टिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो उसका इंग्लिश से नाता जितना भी था, वो कहता है कि अब मुझे वही एग्जाम देने हैं जिनमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती। और आप जानते ही हैं वो कितने एग्जाम्स बचे जिनमें इंग्लिश नहीं है। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम है बेसिक्स का ना पढ़ना। अगर आप अच्छे से बेसिक्स पढ़ लेंगे, आई होप आपका एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। 5 या 6 लेक्चर लगते हैं बेसिक को कंप्लीट करने में। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं, अब हम एक एक करके हम चीजों को पकड़ना शुरू करते हैं। यानी एक छोटे से एग्जाम्पल से हम देखेंगे। जैसे हमने कहा, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रमन इज वॉकिंग राउंड द पार्क, या रमन इज वॉकिंग इन द पार्क। रमन क्या कर रहा है भाई? पार्क में क्या कर रहा है? वो वॉक कर रहा है। अब आपको पता है ये क्या है बच्चे? आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद में जो भी हिस्सा बचा वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। तो प्रेडिकेट क्या हो गया? तो प्रेडिकेट यानी वो सारी की सारी बातें जो सब्जेक्ट के बारे में कही जा रही हैं, उनको हमने एक टर्म दे दिया प्रेडिकेट। और जिसके बारे में पूरी चर्चा चल रही है उसको क्या नाम दे दिया? सब्जेक्ट। थोड़ी देर के लिए अब हम बात करते हैं इन सबको हटा के। मैं साइड से हो जाता हूँ, आप एक एक बार इनको पॉज करके अच्छे से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक सब्जेक्ट पर। चलो थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग में एक क्वेश्चन को घुमाएं कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है? आखिर सब्जेक्ट होता क्या है? जवाब आपके तैयार हैं, आप बोल भी रहे हैं और मैं सुन भी रहा हूं। हाँ, मैं मन से सुन रहा हूं, आप मन में बोल रहे हैं और मैं मन में सुन भी रहा हूं। हाँ, कुछ लोगों ने तो सही जवाब दे दिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग यही कह रहे हैं कि जो काम करता है उसको सब सब्जेक्ट कहते हैं। कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं भाई? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो काम करता है उसी को सब सब्जेक्ट कह देते हैं। चलो, तो अब उन लोगों के सुधरने की बारी आ गई। क्या होता है सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट? और ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश खत्म कर ली, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ली नहीं, निकल गया पेपर। पेपर तो निकल गया, हम वहीं रह गए। लेकिन
देखो बच्चे, सपोज करो ये कोई पर्सन है मुस्कुराता हुआ, ये देखिए थोड़ा सा आज के जमाने का है, ये किसी काम को कर रहा है, ये किसी काम को नहीं कर रहा है। अगर ये काम को करे तब भी ये सब्जेक्ट हो सकता है, और ये किसी भी काम को नहीं करे तब भी ये सब्जेक्ट हो सकता है। ये क्या कह दिया सर आपने? तो यही सच है बच्चे, सब्जेक्ट केवल वही नहीं होता जो किसी काम को करे। आया समझ? सब्जेक्ट केवल वही नहीं होता जो किसी काम को करे। सब्जेक्ट को जब हम डिफाइन करते हैं तो अगर वो किसी काम को नहीं भी कर रहा है, हो सकता है वो किसी वर्ब का यानी किसी एक्शन का डूअर ना होकर किसी एक्शन का रिसीवर हो। अच्छा रुको रुको, ये इतनी टेक्निकल भाषा अभी नहीं। एक और छोटा सा एक चित्र बनाता हूं मैं, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। एक ये और एक ये, अगर आप गौर से देखोगे तो ये मुस्कुरा रहा है, और ये देखिए ये बेचारा रो रहा है। ये रो क्यों रहा है? क्योंकि इसने बढ़िया से दो चार चांटे इसमें जमा दिए। अब बात को ध्यान से समझना बच्चे, काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है साहब, दो चार चांटे जमा दिए, स्लैपिंग कर दी इसने, चांटे वाटे मार दिए। तो अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसने तो काम किया, इसने तो काम किया है, तो ये तो डूअर है। डूअर मतलब काम करने वाला। लेकिन क्या इसने काम किया क्या साहब? इसमें तो चांटे घले हैं, ये तो रो रहा है, ये देखिए आप देख नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन है? ये है रिसीवर, ये है रिसीवर ऑफ द एक्शन। रिसीवर का मतलब हो गया जिस पे हमने काम किया। अब मैं एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बोलूंगा। अगर मैंने इसका नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी, तो अब मैं एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बोलूंगा बच्चों। मैंने कहा ए ने बी को पीटा, और एक सेंटेंस मैंने लिखा बी को पीटा गया। बच्चों ध्यान से समझना, मैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बहुत इजीली समझा दूंगा। पहला सेंटेंस लिखा ए ने बी को पीटा, आप कहोगे साहब काम किसने किया? ए ने किया, काम कौन सा किया? पीटने का किया। तो ए कौन हो गया? आप अपने मन में जोर से कह रहे हैं ये तो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो ए कौन था? डूअर था, काम करने वाला था। चलो इसका तो आसानी से हो गया। जरा अभी अगले सेंटेंस को आप देखें गौर से, तो आप पाएंगे इसमें तो एक ही कोई बात ही नहीं हुई है। इसमें तो सिंपल से लिखा है बी को पीटा गया, किसने पीटा ये भी नहीं पता हमें तो। लेकिन क्या बी ने पीटने का काम किया है? आप कहोगे नहीं, बी तो बेचारा पिट गया, ये देखो बी तो पिट गया। क्या बी ने काम किया? बी ने काम नहीं किया। अगर बी ने काम नहीं किया तो क्या बी सब्जेक्ट है यहां पर? पहले कहा करते थे कि नहीं सर, जो काम करता है ना उसको सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन मेरे देश के नौजवानों, क्या इसमें बी ने कोई काम किया? आप कहोगे बिल्कुल नहीं किया। लेकिन इस पूरे सेंटेंस में बात किसकी हुई है? तो कहोगे सर बी की तो हो रही है केवल। तो बच्चे यही सब्जेक्ट है। क्या बी ने कोई काम किया? नहीं किया। क्या बी ने काम किया? नहीं किया। क्या बी डूअर था? नहीं था। लेकिन बी क्या था? रिसीवर था। बी क्या था? बी था रिसीवर।
इसका मतलब बच्चों, सब्जेक्ट काम, सब्जेक्ट क्या होता है? अगर वो काम कर रहा है तो भी वो सब्जेक्ट हो सकता है, अगर वो काम को ना करते हुए काम को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो भी वो क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। एक कंडीशन और, जैसे मैंने कहा ये जो सी नाम का पर्सन है, थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं इसको, ये थोड़ा सा गुस्से में है, और मैंने कहा कि ये तो चोर है। जैसे मैं इसको चोर कहा, ये गुस्सा करने लगा, तो मैंने कहा क्या कहा, ये तो चोर है भाई। देखो बच्चों, बेसिक्स को पढ़ने में थोड़ी सी बोरियत हो सकती है, लेकिन अगर आपने इन सारी चीजों को एक बार ढंग से समझ लिया, तो चाहे आपका टेंस टॉपिक हो, वर्ब टॉपिक हो, नरेशन हो, एक्टिव पैसिव हो, ये इतनी तेजी से आपके समझ में आने वाले हैं जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर पाए होंगे इन चीजों को। और मेंस तक के सवाल आप खुद ही देखोगे कि कितनी जल्दी आप कर पाओगे। मैंने कहा भाई सी चोर है, मैंने कहा आपसे सी चोर है, क्या सी ने कोई काम किया, क्या सी ने कोई काम किया है? आप कहोगे सर सी ने तो कोई काम ही नहीं करा। क्या सी पर किसी ने कोई काम किया? नहीं किया, नहीं किया। लेकिन इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? तो आप कहोगे बात तो सी के बारे में हो रही है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, इसका सब्जेक्ट सी है। बच्चों ये होता है सब्जेक्ट। अब मैं आपको इसको इंग्लिश की दुनिया में लेके चलता हूं, इंग्लिश की दुनिया में लेके चलता हूं। तो हमने सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया तीन पार्ट में, एक जिसको हमने नाम दिया सिंपल सब्जेक्ट, दूसरे को नाम दिया एक्टिव सब्जेक्ट, और तीसरे को नाम दिया पैसिव सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? इस तरह के सेंटेंस में कोई भी काम नहीं होता है और ये केवल स्टेट को बताते हैं, स्टेट यानी अवस्था, ये केवल अवस्था को बताते हैं। जैसे मैंने कहा यू आर अ ब्रेव बॉय, क्या कहा, यू आर अ ब्रेव बॉय, तुम कैसे लड़के हो, तुम एक बहादुर लड़के हो। क्या आपने कोई काम किया? नहीं किया। क्या किसी ने आप पर कोई काम किया? साहब नहीं किया। यानी ये सिर्फ बात यू के बारे में कही जा रही है, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है बच्चे, एक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है? एक्टिव सब्जेक्ट वो होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। डूअर का मतलब क्या हो गया, काम करता है। जैसे मैंने आपसे कहा आई कुक फूड, आई कुक फूड। देखो बच्चे, यहां ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब को हम कहेंगे एक्शन वर्ब, क्योंकि तो आप ये कहोगे सर इसमें वर्ब तो है लेकिन इसमें क्या नहीं है, यहां पे हम इसको कहेंगे मेन वर्ब, यहां पे इसमें क्या नहीं है, एक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं हुआ। अब देखो इसमें एक्शन हुआ है, मैं कौन हूं, मैं खाना बनाता हूं, यानी मैंने क्या किया है, काम किया है, तो मैं कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैं क्यों हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि मैं इस वर्ब को करने वाला इंसान हूं, मैं डूअर हूं। अगर मैं अगले सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखता हूं, दिस चेयर वॉज ब्रोकन, दिस चेयर वॉज ब्रोकन, एक्शन तो हुआ है, ब्रोकन मतलब ब्रेक की थर्ड फॉर्म,
टूटना, जिसको तोड़ना कहते हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म। बच्चों अगर आप में थोड़ा सा ब्रेन है, जो तो बहुत ज्यादा है, तो आप एक चीज समझ जाओगे, क्या चेयर तोड़ सकती है, क्या चेयर खुद को तोड़ लेगी, ये पेन खुद को तोड़ लेगा या आप तोड़ लोगे? सर हम तोड़ लेंगे, पेन थोड़ी तोड़ लेगा अपने आप को। चेयर को हम तो तोड़ देंगे, लेकिन क्या चेयर खुद को तोड़ देगी? कहोगे सर चेयर खुद को कैसे तोड़ेगी, इसका मतलब ये एक्शन चेयर पर हुआ होगा। अगर ये एक्शन चेयर पे हुआ है तो ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर ना होकर क्या है, रिसीवर है, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया बच्चे, पैसिव सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं बच्चे, एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करा दूं, सब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं। एक वो सब्जेक्ट जो सिंपल सब्जेक्ट होता है, इसको हम सिंपल नाम क्यों दिया, क्योंकि ये किसी भी एक्शन को नहीं बताता, किसी भी काम को नहीं बताता, काम को नहीं बताता, ये केवल अवस्था बताता है, कौन क्या है, कौन कैसा है। जैसे मैंने आपसे एक एक एग्जांपल और दे दूं मैं आपको, जैसे मैंने कहा दिस पेन, ये जो मेरे हाथ में है, दिस पेन इज ब्लैक, दिस पेन इज ब्लैक, ये पेन कैसा है, ब्लैक है। क्या इसमें कोई काम हुआ है? नहीं हुआ। केवल इस पेन की क्या बताई गई है आपको, स्टेट बताई गई है, एक अवस्था बताई गई है कि ये पेन कैसा है, पेन काला है। यानी जो सब्जेक्ट हुआ ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंपल सब्जेक्ट हो गया। फिर दूसरा आया एक्टिव सब्जेक्ट, एक्टिव सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो काम को करते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने खाना बनाया, या वो जो पहले हम पढ़ रहे थे ए ने बी को पीटा, तो पीटने वाला कौन था, ए, तो ए ने काम किया था, तो वो ए क्या कहलाएगा, एक्टिव सब्जेक्ट। और फिर दूसरा जो हमने सेंटेंस लिखा था, बी को पीटा गया या फिर चेयर को तोड़ा गया, या फिर सपोज करना, अब अगर आपका दिमाग बन गया है, अगर आपका दिमाग तैयार हो गया है, तो मैंने आपको एक एक्शन दिया और उस वो एक्शन था कुक, वो एक्शन है कुक, और मैंने आपको एक सब्जेक्ट भी दे दिया, उस सब्जेक्ट में मैंने दिया आपको राइस, चावल। अगर बच्चों आपका लॉजिक क्लियर हो गया तो मुझे आप बताएं समझ के सोचकर, ये एक्टिव सब्जेक्ट होगा या पैसिव सब्जेक्ट होगा? एक्टिव सब्जेक्ट खुद अपना काम करता है, पैसिव सब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। आपके सामने सब्जेक्ट भी है, आपके सामने एक्शन भी है, आप मुझे बता दें बच्चे ये सेंटेंस एक्टिव में जाने वाला है या पैसिव में जाने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से समझ रहे हैं तो आप जानते हैं चावल खुद को नहीं पका पाएगा, चावल को तो हम कुक करेंगे ना, कि चावल आएगा अपने आप कुकर पे बैठ जाएगा, पानी भी डाल दो और गैस भी चालू कर दो और बन गया, लो मैं तैयार हो गया। क्या ये सारे काम हम करेंगे? हम करेंगे। इसका मतलब बच्चे राइस कुक करने का काम नहीं करेगा, कुक हम करेंगे। किसको? राइस को। इसका मतलब ये रिसीवर था, यानी ये एक पैसिव सेंटेंस का, यानी पैसिव सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट कितने तरह के हो गए, हमारे पास 3 तरह के हो गए। थोड़ी सी चर्चा सब्जेक्ट के बारे में और करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको चीजों को ध्यान से समझना है तो थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ेगा, और एक बार आप गहराई में उतर के तैरना सीख गए, उसके बाद छोटी छोटी नदियों से पार करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर तो आप ये कहोगे अब तो समुन्दर में जाने का मन है, अब तो समुन्दर में ही जाएंगे। थोड़ी सी बात और करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कैन बी अ सिंगल वर्ड, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूं, गर्मी के मौसम में प्यास जल्दी आ जाती है, लगने लगती है प्यास। अब प्यास
पढ़ने की कोशिश करो क्या लिखा है। सब्जेक्ट कैन बी अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बच्चों सब्जेक्ट एक अकेला शब्द भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वो एक से ज्यादा शब्दों का समूह भी हो सकता है। सर ये क्या कह दिया आपने? ये हमने कुछ नहीं कहा, ये तो बनाने वाले बना के चले गए और हमें परेशान कर रहे हैं और मैं आपको परेशान कर रहा हूं। देखिए जरा, मैंने आपसे कहा रमन स्पीक्स इंग्लिश, एक हो गया रमन स्पीक्स इंग्लिश और एक हमने कह दिया आपसे रमन एंड रानी स्पीक इंग्लिश। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां रमन सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, यहां रमन एंड रानी दोनों ही कौन है, सब्जेक्ट और स्पीक क्या हुई वर्ब। यहां पे देखो इंग्लिश कौन बोलता है, रमन बोलता है, और यहां इंग्लिश कौन बोलता है, रमन और रानी दोनों बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहां सब्जेक्ट देखो एक ही शब्द का था और यहां सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्दों का है। अच्छा और देख सकते हैं हम, अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास विल बी अवॉर्डेड। नेक्स्ट मंथ एक छोटा सा सेंटेंस ले लिया, अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ माई क्लास विल बी अवॉर्डेड नेक्स्ट मंथ। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा वर्ब तो यहां आई विल बी अवॉर्डेड, तो बच्चों सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ गया? तब आपने कहा अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ये देखो ध्यान से देखोगे तो ये पूरा ही क्या है, ये पूरा ही सब्जेक्ट का पार्ट है। अब आप देखिए जरा कितने हिस्से आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्दों का भी हो सकता है, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं यही जान है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन होगा आपका या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये जो नाउन है ना, ये जो नाउन है, थोड़ी सी बात बताता हूं मैं आपको। एक इंग्लिश में अगली क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक इंग्लिश में नाउन कितनी तरह से काम कर सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, आप कहेंगे हाँ बन सकता है, और नाउन क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, आप कहेंगे हाँ बन सकता है, और नाउन क्या कर सकता है, एक प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है, और नाउन क्या कर सकता है, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, तो हाँ बन सकता है, और नाउन क्या कर सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, हाँ बन सकता है। एक्चुअली में अगर आप सही डेप्थ की ओर जाओगे तो एक नाउन प्रोनाउन इतने सारे काम करते हैं। आई होप, तो आपने देखा नाउन प्रोनाउन कौन बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। यहां देखिए रमन कौन था, एक नाउन था इसलिए सब्जेक्ट बन गया। यहां रमन और रानी दोनों ही कौन थे, नाउन थे, नाउन मतलब पर्सन, पर्सन थे इसलिए सब्जेक्ट बन गए। यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर आपको अगली क्लास में पता चलेगा, मैं अभी थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूं। ऑफ क्या था, प्रपोजिशन था, इसलिए माय क्लास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। प्रपोजिशन के बाद आने वाले नाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट नेचर के होते हैं, यानी जो माय क्लास है ना ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस ऑफ नाम की प्रपोजिशन का।
तो ये जो बच गया, ये जो बच गया क्या स्टूडेंट बच गया, यही क्या है नाउन है, और यही एक्चुअल में इसी को देख के हम सेंटेंस में वर्ब का मेजरमेंट करेंगे। तो ये स्टूडेंट एक है और इसी के लिए क्या लगाया गया है, ये विल बी लगाया गया है। यानी जो नाउन है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। बच्चों ये जो जानकारी थी वो थी किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। अब हम इनकी जो फर्दर एप्लीकेशंस है उसको हम नेक्स्ट बेसिक्स के लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये जो बेसिक्स था ये था 0-1, ऐसे आपकी 5 या 6 क्लासेस होंगी बेसिक्स की, तब जाके हम टॉपिक पर पहुंच पाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको जो भी कमी दिखी इस वीडियो में, या कहीं भी कोई टेक्निकलिटी कमी, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, वॉट एवर जो भी है, अपने फ्रेंड से कहें, देखें वीडियो को अच्छे से, सीखें और लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इससे क्या होता है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम एक अच्छे और नए कंटेंट के साथ फिर से हाजिर होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।